Which ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा ऑप्शन है फंड फ्लो के टोटल डेटर्स तीसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट और चौथा ऑप्शन है फंड फ्लो स्टेटमेंट तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बैलेंस शीट बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है ऑडिटिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग तीसरा ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ असमैन एक्सेप्ट पहला ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीसरा ऑप्शन है टैक्स अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ डू यू एसरटेन द प्रोडक्शन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग पहला ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीसरा ऑप्शन टैक्स अकाउंटिंग चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉस्ट अकाउंटिंग द अकाउंट्स इन विच मॉनिटरी टर्म्स आर कन्वर्टेड इन टू प्राइसेस पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंट्स है जहां पे जो मॉनेटरी टर्म्स है उसे हम प्राइसेस में कन्वर्ट करते हैं

प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडिक्ट करते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फर्स्ट वन इज सोशल सेकेंड ऑप्शन इज कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ऑप्शन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन A social accounting. Which of the following are interested in the accounting information of the business? पहला ऑप्शन है शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स दूसरा ऑप्शन है लेंडर्स तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं लेंडर्स जो आपको उधार देते हैं वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो भी इंटरेस्टेड रहती है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस ऑप्शन बी इज द प्रोपराइटर ऑप्शन सी द बिजनेस एंड द प्रोपराइटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है उंटिंग रिकॉर्ड आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोपराइटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवेन क्वेश्चनिंग डू नॉट इंक्लूड पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरा ऑप्शन है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तीसरा ऑप्शन है एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड ऑप्शन बी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन वॉट इज द मेथड ऑफ समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स पहला ऑप्शन है बुक कीपिंग दूसरा ऑप्शन है ऑडिटिंग तीसरा ऑप्शन है अकाउंटेंसी और चौथा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी Accountancy is the method of summarizing and classifying the record of financial transactions in monetary terms. Option C accountancy is the correct answer for the given question. Accounting is defined as pehla option hai, an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Doosra option hai.

Measurement. Option B is the correct answer for the given question. Accounting records the transactions in the terms of Option A, quantity, Option B, quality, Option C, money, Option D, all of these. This question is the answer. Hai. Accounting records the transactions in the terms of money. Option C is the correct answer for the given question. An ideal accounting period would be. ऑप्शन ए वन ईयर ऑप्शन बी टू ईयर ऑप्शन सी सिक्स मंथ्स, ऑप्शन डी एटीन मंथ्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं एन आइडियल अकाउंटिंग पीरियड वुड बी वन ईयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू अट्स माइनस डैश ऑप्शन ए कैपिटल ऑप्शन बी कैश ऑप्शन सी क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी बिल्स पेबल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आउटसाइड लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल असेट्स में से कैपिटल जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको आउटसाइड लाइबिलिटी मिल जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन एट वॉट प्राइस यू रिकॉर्ड द गुड्स इन अकाउंटिंग पहला ऑप्शन है ऑन रियल प्राइस दूसरा ऑप्शन है ऑन नॉमिनल प्राइस तीसरा ऑप्शन है ऑन फाइनेंशियल प्राइस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन रियल प्राइस तो ऑन रियल प्राइस यू रिकॉर्ड द गुड्स इन अकाउंटिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पैसियोली वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ इटली फ्रांस अमेरिका ब्रिटेन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जिनका नाम लुकास पैसियोली था वो रहने वाले थे ऑप्शन ए इटली के ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अकाउंटिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज पहला ऑप्शन है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दूसरा ऑप्शन है एवरी सिस्टम इज इंफॉर्मेशन सिस्टम तीसरा ऑप्शन है एनी वन कैन गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द्वेश्चन तो का सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन